जिसमें वैल्यू नहीं होती उसको पाइवट शो नहीं करता है, जैसे जीरो ग्रांड टोटल में। ठीक है, मैं बात करता हूँ इस पर। तो चलिए आज की जैसे स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी प्रॉब्लम की। क्या आपने क्या बोला था, रवि जी बोल रहे हैं सर ग्रांड टोटल में जैसे अगर जीरो नहीं, जीरो वाली वैल्यू नहीं आती है ना? हाँ वो कैसे शो करेंगे सर? मतलब मेरा प्रोडक्ट एसक्यू मेरा शो हो और उसका ग्रांड टोटल में जीरो आए, जो जीरो वाली होती है उसको लेता नहीं है। एक मिनट मैं बताता हूँ लाइव। जैसे कि एक मिनट मैं एक पेपर इंसर्ट करता हूँ। ओके, मैंने नेम को रख दिया, और मैं मान लीजिए कि मैंने क्वांटिटी इसमें अमाउंट कर दिया। तो क्या से बोल रहा है कि यहाँ जीरो होता है, इसकी बोल रहे हैं आप? जी सर ग्रांड टोटल में जीरो जीरो जैसे जीरो वाली वैल्यू नहीं आती है, किसी की वैल्यू जीरो है तो वो नहीं आती है, वो ओनली जो वैल्यू वाले होते हैं वही आते हैं। सर जीरो तो ना के बराबर ही हो जाए ना सर। सर मैं चाहता हूँ कि मेरा जैसे कि पूजा का अगर जीरो है तो पूजा और ग्रांड टोटल में जीरो आ जाए उसका जनवरी फरवरी मार्च का सब टोटल की बात कर रहे हैं आप? सब। यस सर ग्रांड टोटल इसका जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कोई वैल्यू है हाँ और सबने किया है पूजा ने नहीं किया है तो पूजा की वैल्यू हाइड हो रही है जो मैं कर रहा हूँ उसमें, बाकी जैसे नीरज कविता वो दिखाई दे रहे हैं। ओके, मान लीजिए कि एक नया नाम ऐड करता हूँ मैं। ठीक है, एक नया नाम मान लीजिए मैं करता हूँ देव। ठीक है, मेरे बेटे का नाम डाल दिया। इसमें क्वांटिटी को मैं जीरो कर देता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देव आ गया, हमने ले लिया अमाउंट, ले लिया वहाँ अमाउंट को भी जीरो कर देता हूँ। तो क्या चाहते हैं इसमें बताइए। यहाँ पे सर आ रहा है लेकिन मैं जो पाइवट लगा रहा था उसमें ये गायब हो जा रहा है वैल्यू। मैं अपनी प्रॉब्लम सर शेयर करूंगा, अभी दिखाऊंगा मुझे अपनी पीवट भेज दीजिएगा, ठीक है, मैं देख लूंगा मैम टाइम लगा के। आपको। ओके, तो लास्ट क्लासेस में हमने समिफ के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं आपके समिफ के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चंस को मैं बनाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा बनाने के लिए। समिफ डेटा समराइजेशन होता है, कि हाउ कैन समराइज द डेटा, वो हम समिफ से करते हैं। सर सर एक चीज पूछना था सर, जैसे कि आप जी जो चीज पढ़ाते हैं वो काफी चीजें उसमें कवर होती जा रही है और हम बाद में करते हैं तो कुछ चीजें से कि भूल जाते हैं, जैसे तो डबल रिकॉर्डिंग्स इसलिए तो दे रहा हूँ पाइवट उनको मैं, रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पे क्यों कर रहा है आप? सर नहीं, एक कोई ऐसी फाइल हो जैसे कि आप जो पढ़ाते हैं जैसे अगर जो जो चीजें उसमें कवर हो, ऐसी कोई फाइल है बना रखी है आपने? नहीं, वही आपका कोर्स कंटेंट तो है वेबसाइट के ऊपर, पीडीएफ पड़ा हुआ है कि क्या क्या मैं पढ़ाया हूँ आपको। जी सर जैसे एक फाइल में हो कि जो चीजें फार्मूले हैं या वैसा कुछ हो, नहीं कि हम कभी ऐसा कुछ तो बना नहीं, पहले था लेकिन कई बार सिस्टम फॉर्मेट हुआ तो हट गया सर। रिवीजन करें मतलब सर तो कुछ। प्रैक्टिस से तो एक जगह चाह रहे हैं। ओके ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। तो आपके सामने एक क्वेश्चन का लिस्ट दिख रहा है। सबसे पहले डेटा को समझ लीजिए, डेटा क्या है हमारे पास? हमारे पास डेटा है कि पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर सिटी, क्वांटिटी और एमआरपी के साथ किस डेट में कितना उन्होंने सेल किया हुआ है। ओके, तो मैं चाहता हूं यहां पे मंथ वाइज, और इस कंडीशंस को लेते हुए यहां पे क्वांटिटी का सवाल है।
मुझे जनवरी महीने का पुनीत का जयपुर में 2019 का जनवरी होना चाहिए, उसका टोटल चाहिए। पर डेटा हमारा मंथ वाइज नहीं है, डेटा हमारा डेट वाइज है। तो इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसमें मंथ यहाँ पे मंथ और ईयर ले देंगे और फिर उससे करते हैं, क्योंकि सही नहीं है। मैं डेटा में भी इसी तरह का कॉलम ऐड नहीं करना चाहता। ओके तो सबसे पहले जानिए कैसे करेंगे, मंथ का टोटल कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जैन दिया, जैन का टोटल चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जैन का स्टार्ट डेट बनाऊंगा, और फिर मैं यहां पे ईओ मंथ लगाऊंगा कि इसका लास्ट डेट दे दे। तो ये हमारा स्टार्ट डेट और लास्ट सामने लिख रहा है। ओके तो स्टार्ट डेट अनडेट आ गया। अब मैं यहां पे सम इफ के लिए क्या करूंगा, सम इफ्स लगाऊंगा और मैं बोलूंगा कि मुझे क्वांटिटी का सम करना है, कंडीशंस डेट है, और यहां पे मैं ग्रेटर देन इक्वल टू और इसके साथ अपने स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करूंगा कॉमा, फिर वापस मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा और बोलूंगा कि यहां एक मिनट यहां पे लेस देन इक्वल टू इसके साथ कंबाइन करूंगा इस डेट को, रिजल्ट आ जाएगा। तो सेम प्रोसीजर हम यहां अप्लाई कर रहे हैं। हम यहां पे सबसे पहले तो डेट का स्टार्ट डेट एंड डेट बनाएंगे। यहां पे मैं यहां पर बनाता हूं, बाद में हम कंबाइन कर देंगे इसको। जैन को ले लिया, वापस कॉल करता डेट और ईयर हमारा ऊपर है तो ऊपर में हम 2019 को यहां पर ले रहे हैं और नीचे की तरफ इसको मैं ड्रैग कर देता हूं, क्योंकि हमने नीचे फ्रीज नहीं किया, इसको भी एक बार फ्रीज कर देते। यहां पे एंड डेट के लिए हम ईओ मंथ का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे स्टार्ट डेट कॉमा जीरो और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। अब मैं यहां पे सम इफ्स लगाऊंगा, सम इफ्स, और यहां मैं डेटा में जाऊंगा और सबसे पहले तो मैं सिलेक्ट करूंगा किसको सम करना था। हमने बोला कि मुझे इसको सम करना है। फिर यहां पे नेम, तो नेम में मैंने बोल दिया यहां पे बी वन, एक मिनट बी वन ही है ना, एक बार देख लेता हूँ कहां अभी। समरी में हमारा बी टू है, यहां पे बी टू नेम में, और दूसरा क्राइटेरिया हमारा डेटा में है सिटी, और इसका क्राइटेरिया मैंने दे दिया बी थ्री। उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया हमारा ए है और इसमें मैं बोलूंगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू और इसके साथ हमने कंबाइन किया किसको, तो इसमें में अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर वापस हम जाते हैं डेटा में और वापस मैं इसी को सेलेक्ट करता हूं और ए हो जाएगा लेस देन इक्वल टू और इसके साथ हम कॉल कटा नेट करेंगे समरी में इसको 28। एंटर, ये डेट आपके सामने रिजल्ट आ गया, लेकिन ये पूरा मैच है। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी फॉर्मूला को हमने कॉपी किया और ए फॉर्मूला यहां डी एक पे है तो इसको रख के एंटर मार देता हूं। उसके बाद यहां भी है आपका लेस देन इक्वल टू समरी डी नाइन, तो हम यहां पर रख देते हैं। वापस हम इसको कॉपी करेंगे अपने यू ओ मंथ वाले सिस्टम को एंड कॉपी करके फिर इसके ऊपर मैं ई नाइन के ऊपर पेस्ट कर देता हूं।
इसको नीचे नीचे तक ड्रैग करने से पहले मुझे फ्रीज करना पड़ेगा बी टू को, फ्रीज करना पड़ेगा बी थ्री को। अब मुझे इसमें एमआरपी का एवरेज चाहिए, एमआरपी का हमारा एवरेज चाहिए, तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, जहां पे हमने सम इफ लगाया हुआ है वहां पे हमारा एवरेज इफ्स हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहता है। और इसको भी नीचे ड्रैग कर दीजिए। देखिए इसमें एमआरपी का एवरेज करना है तो डेटा में एमआरपी किसमें, डी कॉलम में है, तो मुझे यहां पे सी के जगह पे डी करना पड़ेगा। समझ में आया सर रवि जी? जी सर। ये सर एवरेज इफ्स क्या क्या निकालता है? एवरेज 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 ठीक है सर, एवरेज इफ आपका एवरेज निकालता है, जैसे कि सम इफ होता है ना, कंडीशन पे सम निकालता है, उसी का एवरेज निकालता है। एवरेज में क्या है, एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिया, सम इफ हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसी फाइल को मैं आपको भेज रहा हूं, इसके बाकी के क्वेश्चंस मुझे आप करके दे, हो जाएगा आप लोगों से? जी सर। बाकी क्वेश्चन आप करके दे हमें इससे। रवि कुशवाहा जी हमारे, वीवीए पे जाते हैं। हो गया माफ कीजिएगा, भेज दी। ओके मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय। ओके सर। यूट्यूब अगर आप चाहते हैं मेरे साथ क्लास लेना लाइव, तो अभी 10 बजे हमारा एक वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग है, अगर आप वीवीए सीखना चाहते हैं तो डेमो क्लास का फॉर्म भर दीजिए ibtindia.com पे, लेके देखिए दो चार क्लास, अगर ठीक लगा तो एनरोलमेंट प्रोसीजर को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।